अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो मैंने जो अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो मैंने अच्छे से एनालाइज करके, मतलब खुद से ये सब कुछ लिख के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से नहीं, मतलब दूसरे पेज पे लिख के, ठीक है। तो अच्छे से मैंने वो एनालाइज करके तो मैं आपको अच्छे से डीपली बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे आज क्लास 11th के बारे में, उसके बाद हम क्लास 12th एंड देन क्लास 10th के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। डिपेंड्स ऑन आप इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया देन आई विल बी मेकिंग इट फॉर अदर क्लासेस एज वेल, ओके। तो अगर हम पहली बात करें, देखो क्लास 11th की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं ना, अगर आपको वो चीज समझ में आई यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जाम, ओके। तो अगर हम पहली फिजिक्स की बात करें, यहां सामने आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट उठा के रखो। तो अगर हम पहली फिजिक्स की बात करें, देखो पहला ही जो आपका चैप्टर है वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन। देखो इसको साइड में मैंने रखे मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स, उसके बाद मैंने वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे, मतलब देखो पहले 10 है, देन 9 है, देन ओवर 9 है। मैंने टॉपिक इसको रखा है जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स है, ओके। तो अगर हम फिजिक्स की पहली बात करें, वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिसमें आपके 10 मार्क्स है। पहले मैं अच्छे से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। तो वेव्स एंड ऑसिलेशंस हो गए 10 मार्क्स, काइनेमेटिक्स 9 मार्क्स, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर हो गए 9 मार्क्स, लॉज ऑफ मोशन हो गए 7 मार्क्स, वर्क एनर्जी पावर 6 मार्क्स, रोटेशन मोशन 6 मार्क्स, ग्रेविटेशन 6 मार्क्स, थर्मोडायनेमिक्स 6 मार्क्स, केटीजी 6 मार्क्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें देखो इट इज फॉर श्योर आपके वेव्स एंड ऑसिलेशंस में 10 मार्क्स आएंगे आपके पेपर में, काइनेमेटिक्स में 9 मार्क्स आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में 9 मार्क्स आएंगे। तो यहां पे एक बात समझो यार, देखो आपका जो टोटल मार्क्स है ना, मतलब पासिंग मार्क्स अगर हम पहले बात करें, वो तो छोड़ो ऐसे बच्चे जिनको अच्छा स्कोर करना है लाइक 450 प्लस, 480 प्लस, तो उनको तो सारा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो स्ट्रेस्ड है, जिनको ये लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब हम फेल हो जाएंगे। देखो आपके जो पासिंग मार्क्स है वो है 25 out of 70, ओके। तो अगर हम पहले ही टॉप 6 चैप्टर्स ले आपके, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, काइनेमेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशनल मोशन, अगर आप इन्हीं के मार्क्स ऐड करोगे ना, दैट इज 47। मतलब अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यही 6 पढ़ने हैं, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं अगर आप ये 6 भी पढ़ोगे तब भी आपके 47 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ये 6 के 6 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, या कोई भी कॉम्बिनेशन आप 6 ले लो। लेकिन ये जो टॉप 3 वाले चैप्टर्स है ना, 10, 9, 9 वाले, इनको जरूरी रखना है उन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, आप आराम से अपना जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो ये तो रही फिजिक्स की बात। तो अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका है, उसके हैं 11 मार्क्स, ठीक है, 11 मार्क्स, समझ रहे हो ना। इसमें भी अगर हम बताएं केमिस्ट्री में भी आपके 25 मार्क्स ही पासिंग है, ओके। तो अगर हम बात करें आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के 11 मार्क्स है, हाइड्रोकार्बन्स के 10 मार्क्स है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के 9 मार्क्स, थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 7 मार्क्स है, केमिकल बॉन्डिंग के 7, इक्विलिब्रियम के 7 एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज उसके हैं 6 और रेडॉक्स रिएक्शन के 6। अब अगर हम टॉप वाले देखें ना, देखो 11, 10, 9, 9, देखो 11 और 10 हो गए 21, 9 हो गए 30 एंड और 9 हो गए आपके पास 39 एंड 39 और 7 हो गए आपके पास 46, ठीक है। अगर हम ऐसे भी देखें टॉप 5 ही, अगर हम टॉप 6 देखें 46 नहीं 53 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे अगर आप टॉप 6 वाले चैप्टर्स जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं, अगर आप वो 6 चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ोगे ना, यू कैन इजीली क्लियर दिस सब्जेक्ट, ओके। तो अब अगर हम बात करें आपकी बायोलॉजी की, यहां पे मैंने सारे चैप्टर्स मेंशन किए, लेकिन मैं आपको बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग बताऊंगा। देखो बॉटनी का अगर हम बताएं, प्लांट फिजियोलॉजी के आपके 12 मार्क्स है, आपके डायवर्सिटी ऑफ लाइफ के 9 मार्क्स है, किंगडम प्लांटिया के आपके 9 मार्क्स है एंड प्लांट एनाटॉमी के 5 मार्क्स, ओके। तो अगर हम जूलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 12 मार्क्स, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के 8 मार्क्स और आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 8 मार्क्स, आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमोलिक्यूल्स के 7 मार्क्स है। अगर हम इसमें भी बात करें, देखो पासिंग मार्क्स है 25 out of 70। अगर हम देखें प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके 12 मार्क्स है, मतलब 24 मार्क्स हो गए वहीं पर। आप बॉटनी का डायवर्सिटी ऑफ लाइफ लेते हो 24 + 9 हो गया 33 और अगर डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड भी लेते हो 8 मार्क्स तो वो हो गया आपका 41, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, अगर आप अच्छे से एनालाइज करो जो मैं इस वीडियो में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं ना, अगर आपको ये अच्छे से समझ आई ना, आप आराम से सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये रही बात आपकी बॉटनी जूलॉजी मतलब बायोलॉजी की। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, पहले ही देखो आपके जो पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 80 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, ओके। तो अगर हम पहले ही बात करें आपका जो सेट्स एंड फंक्शंस है उसके 23 मार्क्स है, तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस और आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन है। तो ये 3 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ये तो आसान से चैप्टर्स है यार, इनमें कोई वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ही आसान चैप्टर्स है और इनका वेटेज है 23, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज की बात करें वो है एलजेब्रा, जिसके 25 मार्क्स है, और एलजेब्रा में क्या आता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा बताओ वो टफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आसान है, लीनियर इनइक्वालिटी तो बहुत ही आसान है, और पी एंड सी चलो किसी को टफ लगती है किसी को आसान लगती है, एंड बाइनोमियल थ्योरम हो गया आपके पास, और सीक्वेंस एंड सीरीज वो तो ज्यादा ही आसान है, ठीक है। तो अलजेब्रा के 25 मार्क्स है और सेट्स एंड फंक्शंस के 23 मार्क्स है, आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 29 ही है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, इसमें अगर आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ तो आराम से आप कोई भी सब्जेक्ट क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो और एक चीज है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके 12 मार्क्स है, उसमें क्या आता है, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन और 3D ज्योमेट्री, दो चैप्टर्स की अगर हम बात करें
ये तीनों के तीनों आसान है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरेंज जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 12 मार्क्स है, मतलब समझ सकते हो ना ये इतने आसान चैप्टर है दोनों, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा एक दिन में हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उतना भी ये कुछ हाई लेवल वाला नहीं है। तो इसके 12 मार्क्स है और आपका जो लिमिट एंड डेरिवेटिव है उसके 8 मार्क्स है। तो ये रही बात आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास 11th के बच्चों के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मतलब लगा होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी डिपेंड करता है कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पांस मिलेगा, तो उसी हिसाब से मैं 10th और 12th के लिए भी बनाने वाला हूँ ये। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।